हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। आज हम पंजाबी फूड बिजनेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंजाबी फूड काफ़ी रिच होने के बावजूद इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पंजाबी डिश के प्रति बढ़ती दीवानगी को देखते हुए पंजाबी फूड बिजनेस एक फ़ायदेमंद बिजनेस हो सकता है। अधिकतर पंजाबी खाना हाईवे के आसपास मिलते हैं। लोग सफ़र के दौरान हाईवे के इन ढाबों में खाना खा लेते हैं। हाईवे के आसपास के लोग स्वाद बदलने के लिए इन रेस्टोरेंट में भले ही चले जाए, पर फैमिली को लेकर यहाँ खाना खाने के लिए जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में शहरी इलाके में पंजाबी फूड कॉर्नर या मिनी रेस्टोरेंट शुरू करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पंजाबी मिनी रेस्टोरेंट कहाँ शुरू करें, रेस्टोरेंट को किस तरह से ग्रो करें, ऐसे कुछ पंजाबी डिश जिन्हें लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है, जिन्हें रेस्टोरेंट में तैयार करके अपनी पहचान बना सकते हैं। यदि आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। यहाँ हम ऐसे पंजाबी फूड की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इन डिशों को अपने पंजाबी फूड कॉर्नर के मेनू में शामिल कर अपने बिजनेस को पॉपुलर कर सकते हैं। यहाँ हमने जो पंजाबी डिश बताई है वो मिनी रेस्टोरेंट या फूड कॉर्नर के हिसाब से है। मक्के की रोटी सरसों का साग, यह एक पंजाबी फेमस डिश है। जब भी पंजाबी डिश की बात होती है, मक्के की रोटी सरसों के साग से होती है। यह उनकी पहचान है, यह उनकी संस्कृति है। यह डिश काफ़ी लाजवाब होता है। लोगों द्वारा मक्के की गर्मा गर्म रोटियाँ सरसों के साग के साथ काफ़ी पसंद किया जाता है। ठंड का मौसम आते ही लोग इस पंजाबी डिश को खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहा जाता है, बथुआ और पालक मिलाकर तैयार किए गए पंजाबी सरसों के साग में जो स्वाद होता है वो कहीं और नहीं होता। वैसे मक्के की रोटी को अन्य मौसम में भी अन्य सब्जियों के साथ खाना पसंद किया जाता है। पिंड चना छोले मसाला, यह भी एक पंजाबी डिश है जो काफ़ी फेमस है। कोई सेलिब्रेशन हो और उसमें पंजाबी छोले मसाला ना हो तो वो पार्टी फीकी फीकी सी लगती है। छोले मसाला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह चावल, पराठे, पूड़ी, चपाती या नान के साथ खाना पसंद किया जाता है। अनूठे स्वाद वाले छोले मसाला हर मौसम में लोगों द्वारा खाना पसंद किया जाता है। मक्का की पूड़ी, मक्का के आटे की मसाला पूड़ी एकदम मुलायम और खस्ता गरम गरम पूड़ियाँ किसी भी सब्जी, दही या अचार के साथ भरपूर स्वाद देता है। इसे लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। छोले भटूरे, छोले भटूरे पंजाबियों में खास लोकप्रिय डिश है। खास तरह से तैयार इस मैदे की पूड़ी को छोले के साथ अन्य प्रांतों के लोग भी खाना काफ़ी पसंद करते हैं। शहरों में ऐसे अनेक रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर हैं जहाँ छोले भटूरे मिल जाएंगे। ऐसे जगहों में लोग अपने परिवार के साथ जाकर खाना पसंद करते हैं। कुलचे, कुलचे पंजाबियों का एक खास आइटम है। इसे तंदूर में तैयार किया जाता है। कुलचे कई तरह के होते हैं, अमृतसरी कुलचे, आलू कुलचे, पनीर कुलचे आदि। कुलचे के साथ छोले की सब्जी पसंद की जाती है। राजमा चावल, राजमा चावल के बारे में कहा जाता है, जिसने इसे एक बार खा लिया वो इसे बार बार खाना पसंद करेगा। राजमा की सब्जी को चावल, दही, पापड़, अचार और सलाद के साथ पेश किया जाता है, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है।
पंजाबी फूड कॉर्नर शुरू करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। अपने फूड कॉर्नर का माहौल पूरी तरह से पंजाबी रखें, जो कस्टमर को पंजाबी टेस्ट पाने के लिए अटैक करेगा। पंजाबी फूड कॉर्नर की पब्लिसिटी करें, इसके लिए पंपलेट बंटवाएं, पेपर में ऐड दें, केबल टीवी पर स्ट्रिप चलवाएं। पंजाबी फूड के रेट सही रखें, जो लोगों को अधिक या कम ना लगे। शुरू शुरू में खास लोगों के लिए डिस्काउंट कूपन दें, जिससे आपके रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी हो। जैसे स्टूडेंट के लिए 30% की छूट, नए कपल के लिए एक ऑर्डर पर एक ऑर्डर फ्री, फैमिली के साथ आए दो बच्चों के लिए ऑर्डर फ्री। खास जगहों पर अपने फूड कॉर्नर के बैनर लगवाएं, लोकल टीवी, एफएम, यूट्यूब चैनल पर प्रसारित प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें। अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट की बात सुनकर अनेक लोगों को अजीब लगे, पर आज के ज़माने में किसी भी बिजनेस के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। वेबसाइट पर रेस्टोरेंट के बारे में डिटेल हो। वेबसाइट के द्वारा ऑर्डर करने पर भी कुछ छूट दे। इसके लिए नए नए प्लान बनाते रहे, इससे आपको ऑनलाइन से भी अच्छे ऑर्डर मिलते रहेंगे। रेस्टोरेंट शुरू करने पर अपने आसपास के दुकानदारों को 2-4 दिनों तक अपने डिश को फ्री में टेस्ट करवाएं। इससे आपको आसपास के दुकानदारों से आपसी रिलेशन बढ़ाने के साथ साथ आपके रेस्टोरेंट की अच्छी माउथ पब्लिसिटी भी हो जाएगी। उन्हें अपने रेस्टोरेंट पर बुलाएं, डिश टेस्ट करने के बाद उनके रिव्यू लें। रिव्यू को अपने वेबसाइट पर उन लोगों के फोटो के साथ पब्लिश करें। डेली के लिए एक स्पेशल डिश बनाएं। आज का स्पेशल डिश। इस स्पेशल डिश का रेट अपने यहाँ के अन्य डिश के रेट से 10-20% अधिक रखें। यहाँ डिस्काउंट कूपन से होने वाले लॉस की भरपाई हो जाएगी। तीज त्यौहार में पंजाबी स्पेशल डिश बनाएं। इसे पब्लिसिटी करें, लोग इसकी ओर अटैक होंगे। फेस्टिवल स्पेशल के रेट भी 10-20% अधिक रखें। शहर में आने वाले छोटे मोटे सेलिब्रिटी की खबर रखें, उन्हें अपने रेस्टोरेंट पर बुलाएं, साथ में मीडिया को भी बुला लें। उन्हें अपने यहाँ का खाना खिलाएं और रिव्यू लें। फोटो के साथ न्यूज़ पब्लिश करवाएं। वेबसाइट पर फोटो व रिव्यू पब्लिश करें, उनसे अपने सोशल साइट के बिजनेस पर भी पब्लिश करें। इससे आपके रेस्टोरेंट की काफ़ी पब्लिसिटी होगी। कुछ अलग हटकर करें, जैसे जमशेदपुर के पप्पू सरदार माधुरी के दीवाने हैं। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट पर माधुरी के सैकड़ों छोटी बड़ी फ़ोटो लगा रखी है। सुबह माधुरी की फ़ोटो पर आरती करते हैं। दिखने में भले ही अजीब लगता है, पर यह भी पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा फंडा है। ऐसे फंडे से फ्री में इतनी पब्लिसिटी मिल जाती है कि काफ़ी पैसे खर्च करके भी नहीं मिल पाती। पप्पू सरदार की इस अजीब हरकतों की वजह से सारे देश के लोग उनके रेस्टोरेंट को पहचानते हैं। रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए आप भी ऐसे ही कोई नया फंडा ढूंढ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, पंजाबी डिश को तैयार करने के लिए पंजाबी तरीका ही अपनाएं। यदि आपको पंजाबी स्टाइल में खाना बनाना नहीं आता है, तो किसी अच्छे पंजाबी शेफ को रखें। डिश जितना स्वादिष्ट होगा, माउथ पब्लिसिटी भी उतनी ही तेज़ी से होती है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जो इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अब तक बिजनेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि
उन्हें बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो सब्सक्राइब कर दें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।